नॉन चेहरा व्लॉग में वापस। पिछली बार श्रेया आई थी, जब मैं आया हूँ और मैं सुबह की फ्लाइट लेकर के आया हूँ सिर्फ कचौड़ी खाने के लिए। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ करके यहाँ क्लब कचौड़ी खाने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। फाइनली मैंने बड़े दिन से व्लॉग बनाया नहीं था क्योंकि बहुत सारा व्लॉग पड़ा हुआ था। आज मैं आया हूँ कलकत्ता बॉनी के साथ घूमने के लिए और आज रात का शो है कलकत्ता में। द बेस्ट थिंग कि कलकत्ता में यूजुअली आता 12 बजे की फ्लाइट लेकर के, आज मैं सुबह 4 बजे उठ करके 7 बजे की फ्लाइट लेके आ गया हूँ सिर्फ ये क्लब कचौड़ी खाने के लिए। ये पिछली बार बॉनी मेरे को लाया था, खूब मजा आता है। ये कौन सी शॉप है, इसका नाम क्या है? नाश्ता जबरदस्त भाई, माल अलग ही चीज़ होती है यहाँ पे। तो अभी बॉनी और मैं खा चुके 10-10 पीस क्लब कचौड़ी, टोटल 20 पीस, जिससे चक्कर मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। क्या जबरदस्त मजा आया बॉनी, मसाला पेला है एकदम ना दबा के। और अब आइए ये जलेबी जो कि जलेबा टाइप है फुल। बहुत सी दुकान है इधर, ये क्या नाम है इसका, नाश्ता सब खाएंगे। मेरे को लगता है मैं हर सिटी में, इन सब सिटी में जाता हूँ तो सिर्फ रिश्तेदारों से मिलने, थोड़ी चुगलियाँ लेने और शराब का शौक कर दिया लगे यार। Whoa, wait a second. You're making $500,000 on this deal? खाली कचौड़ी और फिर जलेबी। अभी बॉनी मेरे को कहाँ लेके जा रहा है? अभी हम जा रहे हैं भूतनाथ, एक मंदिर है यहाँ पे। हाँ। वहाँ पे हम बैठे हैं गंगा के किनारे और वहाँ पियेंगे बाबा की चाय। बाबा की चाय, बाबा की चाय, कचौड़ी, जलेबी और दोपहर को एक दोस्त से मिलना है, वहाँ बिरयानी चलेगी। रात को शो का भरोसा नहीं है दोस्तों ये व्लॉग थोड़ा लेट आएगा पर देखते हैं, मजेदार। पर कलकत्ता ऐसा तो एक सिटी का वो तो है ना, कैरेक्टर है, वाइब है ना। बिल्कुल, कितना अच्छा बोल रहा है, इतनी गाली देता है ना ये बंगालियों पे, इतना जोक मारता है कोई हद हिसाब ही नहीं है। वनी बोल रहे हैं एप्पल को क्या बोलते हैं यहाँ पे? बोलते हैं आपेल। और वो तो था मुड़ी मुड़ी वाला जो यहाँ पे डेट करने का मस्त हिसाब है कि आप लड़की को लेके जाओ, मतलब इन जनरल मैं नहीं कह रहा, बाकी ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे जगह लेके आते हैं, मतलब लेके जाओ 5 रुपए में मस्त आप घुमा फिरा के मुड़ी बादाम भुजिया खिला के ले और जिस दिन और लड़की पट जाएगी उसमें, और जिस दिन बाप से बात कर रहा हूँ उस दिन 20 रुपए का रोल खिला दो, बात कर रहा हूँ। ये जो के मेरे को 2 साल से सुना रहा है, चीपेस्ट डेटिंग इज अवेलेबल इन कोलकाता। टिंडर विंडर छोड़ो, इधर आओ। चाय पिलाने लेके जा रहा है, चाय पिलाने के लिए आप गूगल पे लोकेशन देखिए, शो कर रहे हैं भाई। दोस्तों ये पहली बार हुआ है कि हम ऊपर से उतर रहे हैं, देखो कहाँ उतरे हैं, ये वर्किंग ट्रेन लाइन पे लोग भी बैठे हैं, इनने आके गाड़ी रोक दी। बॉनी कह रहा लगान वाला सीन ना हो जाए, गुलाम वाला सीन कि भागना पड़ रहा है। सब इलेक्शन की तैयारी चल रही है, कांग्रेस का वोट भी है। नहीं, नहीं। कुछ फायदा है क्या इसका, कुछ फायदा है तो बाबा बताएंगे। हाँ बाबा बताएंगे। कौन सी है, फेमस आदमी है क्या ये? आशीष अग्रवाल, उसने भी भोलेनाथ की फोटो लगा रखी है। स्टूडेंट का भरोसा हमको नहीं है, भगवान ने चाहा तो होगा नहीं तो नहीं। मस्त है कलकत्ता आज, एक्चुअली वेदर ही बहुत अच्छा हो रखा है तो घूमने में मज़ा भी आ रहा थोड़ा। और मास्क यहाँ पे लगा रखा है कुछ लोगों ने, मास्क जैसे ऐसा है यहाँ पे श्रद्धानुसार, आप अपने जिसकी इच्छा है वो पहनी है, जिसकी नहीं इच्छा वो नहीं पहनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। थोड़ा कलकत्ता जैसे कलकत्ता आओ, मेरे को लगता है 2 दिन के लिए बहुत अच्छी सिटी है, बस सिर्फ 2 दिन उसके बाद भाग जाओ, तीसरे दिन आप खुद भाग जाओ। बाबा भूतनाथ मंदिर वाला एरिया नहीं भाई, अंकल पूजा कर रहे हैं। अच्छा बंद है क्या, पता भी कि टाइम होता है इसका क्या सी? अरे हाँ, गंगा जी के किनारे बैठ के पियेंगे चाय, थोड़ी थोड़ी बनारस जैसी फील है पर थोड़ा और प्राचीन। यहाँ से फेरी चलती है, तो यहाँ से फेरी आपको लेके जाती है हावड़ा स्टेशन पे, कलकत्ता का एक फेमस रेलवे स्टेशन। हाँ। और मजे कीजिए यहाँ पे, गंगा की ठंडी ठंडी हवा खाइए और हावड़ा ब्रिज के नीचे से हावड़ा जाइए, यही सब तो मजे हैं जिंदगी के मजे, और ये सब 2 दिन में हो जाते हैं। हाँ, बस एकदम 2 दिन का शेड्यूल बना के आओ, 5 जगह उंगली पे घूमो और निकल जाती है। ये तो बॉनी जो इतना चुटकुला मारता है बंगाल के बारे में, कोई तो बड़ी पूजा चल रही है। हम लोग यहाँ पे पियेंगे चाय, ये बाबा नहीं है, ये बाबा के भाई। अच्छा कोई बाबा है जो वो बनाते हैं वो शाम को बैठे, पर आज यही बनाएंगे ना, आज यही बनाएंगे। जलनी की जलनी गई थोड़ी, लिट्टी लिट्टी थोड़ी जलनी गई, कह रहा जल भी गई थी, इतना घी पेलते समझ नहीं आएगा। बाकी सामान भी इधर फुल तैयार है, चाय के साथ स्नैक्स। हाँ चाय के साथ स्नैक्स, पहला पड़ाव और गंगा किनारे बैठ करके थोड़ा और रिलैक्स
गंगा के की यहाँ भूतनाथ बैठ के अगर आपको केदारनाथ जाना है हाँ। तो ये सामान है। वही लाया मुझे ये घाट पे। ये है ये देखिए ये चिल मार रही है। बहुत साफ तो नहीं है घाट पर, अच्छा लगेगा, बेटर देन दैट। ये भी वही है संथान वाला घाट। नहीं 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 नहीं, अरे सादा यहाँ के लिए अभी सरस्वती पूजा हुआ ना। अच्छा अच्छा, तो उसका विसर्जन का सब ये सब क्या करें। हाँ थोड़ा गंदा है घाट फिलहाल। लेफ्ट ओवर हाँ, पर साफ हो जाता है ये। साफ हो जाता है। और थोड़ा लेफ्ट में दिखा दूँ। तो मैं सोचा बॉनी से एक सवाल पूछूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो भी कोलकाता है उसके लिए। यहाँ की टैक्सी में लिखा होता है नो रिफ्यूजल, मतलब यू कैन नॉट रिफ्यूज दी कस्टमर। पहले रिफ्यूज करेंगे आप। पर वो करे, पर वो मैंने आज तक उस टैक्सी में किसी को देखा ही नहीं है। वो फेयर इतना अजीब मांगते हैं तो लोगों को लगता है ऐसा ओला उबर में जाए। हाँ पीछे एक आ रही है, इसमें भी कस्टमर नहीं है, इसके दो बच्चे बैठे शायद। हाँ कस्टमर थे बच्चे थे, बच्चे लग रहे हैं ये। ऐसा तो नहीं था यहाँ से बोल के ले आता जो मर्जी दे देना, वहाँ जाके 500 रुपया। मैंने आज तक ना एयरपोर्ट पे एक्चुअली मीटर भी डाउन नहीं करते। अच्छा ये अपने हिसाब से आपको फेयर बोल रहे हैं, मतलब ये एयरपोर्ट पे बस खड़े रहते हैं। मैंने देखा लाइन और हंसते खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इन्हें खुन्नस मची हुई है क्या ओला उबर वालों से। अच्छा अच्छा हाँ, इसीलिए क्योंकि उनके आने के बाद उनका ये आ रही है ट्रेन, ये ट्रेन का सिग्नल है, ट्रेन आएगी, ट्रेन आ रही है। ऐसे देख के चले ओके दोस्तों, 2-4 मिनट में ट्रेन आएगी राजधानी एक्सप्रेस के स्पीड में। हैं पक्का है ट्रेन एकदम गारंटी। थूक के ना चले यहाँ पे। ये बॉम्बे जैसी ट्रेन लगी है, लोकल ट्रेन बॉम्बे जैसी है, लोकल है। नहीं ये ऐसा वैसा सिस्टम है, मतलब मार्केट भी लगती है पटरी वटरी पे भी नहीं, लोग रहते हैं बस यहाँ पे, लोग खिलाने आते हैं लोग है? अच्छा मतलब वो सर्विस, जब उन्हें लगता है कि जिंदगी बहुत पाप कर ली है तो चलो कुछ पुण्य किया जाए। जब करोड़ों को घपला कर लिया है तो हजारों की खिचड़ी तो खिलाई जा सकती है। जो जो ज्यादा पापी होते थोड़ा पुण्य काम करते हैं। ये बुगाटी खड़ी है हमारी, अब इसमें जाएंगे। कहाँ बिडोन चलिए बस बैठ गई, बोलना ही नहीं। ये भाई साहब लेंगे 10 रुपए, नो कन्वर्सेशन, ये है असली नो रिफ्यूजल। नहीं मजेदार है वैसे, कोलकाता आओ थोड़े दिन के लिए, थोड़ा जाम मिल जाता है बस गली गली में, बाकी बढ़िया है भाई। ऑटो वाला की म्यूजिक है अपना यहाँ, कोई है क्या ऑटो वाले की म्यूजिक सिस्टम इतने तगड़े होते हैं। बीएमडब्ल्यू ऑडी के तो जगह अब ऑटो हो चुका है सोल्ड आउट। इट्स अ सोल्ड आउट शो नाउ। ये देखिए मैं आ रहा हूँ इसके अंदर 6 साल बाद। क्या 6 साल बाद सोल्ड आउट। हाँ तो बॉनी ने मेरे को, चलो ऑटो से दिखा बताया तो, बॉनी ने मेरा फर्स्ट शो कब देखा था, अमित टंडन जी के साथ आया था ना मैं, और फिर उसके बाद एक और बार आया मैं, तो लास्ट टाइम आई केम टू कोलकाता वी सोल्ड व्हाट 48 टिकट्स। साइड में रोक दिया, आज अच्छा निकला। और चाचा और चाची एक दूसरे पे कटाक्ष कटाक्ष मार रहे हैं। ए भैया मेरा मत कर, मेरा मत देना, मेरी सिस्टर में मत देना। बॉनी किसका साथ देना चाहिए हैं, खुद का? एक दूसरे पे कटाक्ष पे कटाक्ष चल रहे हैं क्या ससुराल और पेके के ऊपर? मैं कुर्ता पजामा पहन के जाऊंगा तो मैं कहता हूं लुंगी पहन के जाओ ना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हां चाचा क्या कह रही है चाची? तू क्या कर रही है बाबा? कौन चाचा क्या? पूरे बाल यहाँ से टकले थे, यहाँ से पूरे बाल उठा के यहाँ ले आए। नहीं शादी का टाइम? हाँ मेरी शादी हुई थी तब। आपको पता नहीं चला? पता ही नहीं चला, बाद में शादी हुई थी जब सर धो के आए ना के पता चला आधे बाल ही नहीं। सर ऐसा हो ही नहीं सकता चाची, झूठ बोल रहे। सच बोल रहे बेटा, सच बोल रहे। छुपा के आए मेरे साथ में, बहुत मेरे से धोखे में शादी हुई। भाई मेरे व्लॉग में घर की राज खुल रही, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, पर जब से आया तब से सिर्फ घर ही आ रहा है बैठ करके, कुछ नहीं सिर्फ कलकत्ता भागलपुर सबको घर ही आ रहा है। जो यहाँ रहता है वो यहाँ से जाना भी नहीं चाहता है और घर आता भी इसी को है। नहीं दे डोंट इवन वांट टू लीव कलकत्ता, कहीं और नहीं रह पाएंगे। प्यार हो जाता है, प्यार तो जाता है सिटी। एक्चुअली सिटी का एक वो होता है ना जब अपना अस्तित्व, इसका कुछ तो अस्तित्व है, कुछ नहीं करने का अस्तित्व है। बहुत सारे कॉमेडियन थे इसके ऊपर जोक करते हैं कि कलकत्ता में कुछ तो पता नहीं क्या क्या जो करते हैं, कलकत्ता में इतना स्लो है सब कुछ, स्लो है सब कुछ, स्लो है सब कुछ। अर्ली रिटायरमेंट लेनी हो तो यहाँ आ जाओ। जो बच्चा घर में आपके जो लोग कर रहे थे आप उनको वो करते देखे तो आप वो काम करते हो। जैसे घर में आप लोगों को अगर कुछ करते हुए देखोगे तो वही करोगे, तो यहाँ पे बच्चा देखता है कि घर में तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो हमें भी ऐसे ही करना है कि कुछ करना नहीं है। तो ये श्रेया का कजिन है मेरा, तो दोस्त है, मैं क्या तेरा जीजा। जीजा इतनी गंदी गंदी बातें सिखा के जा रहा हूँ ना मैं, जैसे यहाँ इतनी गंदी बातें बताई
तो ऐसा है, पर अब दोस्त ही भी है ऐसे कुछ हमारा भाई भाई वाला साढ़ा की जीजा जी आए हैं ना, ना, ना। जो जीजा जी बोले वही मैं करूँगा। तो फाइनली आई एम आउट फॉर अ शो, उससे पहले मैं कॉमेडियन से मिल रहा हूँ, थोड़ा चिल मारेंगे हम लोग साथ बैठ करके। और वहीं आए हैं जो सब लोग कोलकाता आके सब लोग आते हैं पार्क स्ट्रीट, अभी आज थोड़ी खाली दिख रही है, आई डोंट नो, पिछली बार आया तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ ओली पापा वहाँ बैठ के पीते थे, पर मैं आजकल पी नहीं रहा हूँ तो कम कर रही है, तो इधर फ्लोरिस करके बेकरी है इधर, ये रही उधर जा रहे हैं। इधर का माहौल मस्त होता है, ये बारबेक्यू किसी को भी चाइनीज वाइनीज खाना है इधर आकर के तो मस्त जगह दारू भी मिलती है, बाकी मस्त है ये पूरा। मेरे को लग रहा है कोई झपट्टा ना मार जाए फोन पे, बस वो भी ब्लॉग में आ जाए तो मजा आ जाए ना। किसी ने झपट्टा मारा और इसने झपट्टा मारा, फोन गिर गया और वो आए ब्लॉग में, तो असली मजा है। ले गया तो फिर तो भाई लंका है, फिर ये ब्लॉग नहीं आ पाएगा। सो फाइनली वी आर एट द वेन्यू, वी विल डू सम साउंड चेक एंड ऑल, आई विल शो इट टू यू कि कैसा होता है शो का। मैंने सुना है वेन्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैंने कभी परफॉर्म नहीं करा कलकत्ता में, इससे पहले मैं कभी नहीं करा, मतलब करा है शो दो तीन शो पर छोटे छोटे करे हैं। This is the time we are actually doing a proper show. बहुत सुंदर सा वेन्यू, ऐसा लग रहा है एरिस्टोक्रेट लोग, यहाँ फिरंगी लोग आते थे क्या पहले? क्यों आते थे? ये सब फिरंगी लोगों का है क्या सीन? नहीं नहीं, मतलब वो बंगाली पुराने बंगाली लोग फिरंगी होते हैं। हाँ। तो बीचों बीच होते हैं। Starting the sound check of the show now. Okay, check. This is the guy who's organizing this show. कैसा जाने वाला भाई, जनता अंदर आ रही है? बहुत खतरनाक। हाँ? बहुत खतरनाक। बिग्गिया पूरा ज्यादा भर दिया ना? ये DJI Osmo 3. अरे ये हम एक सेकंड रुक जाए, हम बेच नहीं रहे हैं ना, ये ब्रांडेड है। पर ये प्रतीक ने यहाँ पे गिम्बल ले रखा है बहुत सी डीजे और उसमें, और कह रहा है ये व्लॉगिंग के लिए बेस्ट चीज है। जी जी हाँ, तो इसमें टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स, हाँ, पैनोरमा बहुत अच्छा आता है। हाँ, 3x3 पैनोरमा आता है, 9 पिक्चर्स क्लिक करके स्टिच करते हैं एक फोटो में। हाँ, यू कैन गेट अ वाइड एंगल, गुड वाइड एंगल, जूम इन जूम आउट, सब हैंडल फीचर्स है। हाँ, आपको कैमरा छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सारे फंक्शंस आपके थंब पे है। भाई भगवान कसम, तो पूरा सेल्समैन लग रहा है जैसे कि घर पे नहीं था दिखाने के लिए। भाई साहब देखिए, एनसाइक्लोपीडिया वाले सेलमैन देखे आते थे पहले कि आपको कि आपकी वोकैबुलरी कितनी है, ये वैसे पर सही यार, ये चीज ले सकते हैं। जनता बोलेगी ब्रांडेड है, नहीं है भाई, मैं सच में लेने की सोच रहा हूँ। सो आज का वेन्यू हमारा ये है, विच इज एज पर द कॉमिक्स फ्रॉम कोलकाता, इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वेन्यूज ऑफ कोलकाता, और देख के बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग देख के लग रहा होगा ये 100-200 सीटर है, पर दिस इज व्हाट 350 सीटर है ना ये वेन्यू, तो अच्छा बस मेरे जोक्स घटिया। Okay guys, so that was the end of the vlog. I hope you really liked it. If you liked the vlog, do subscribe to the channel. The button is right, I don't know, somewhere left, right, नीचे कहीं subscribe वाला आला होगा, दबा दो यार। 1.5 लाख subscriber हमारे होने वाले हैं, so I hope we'll be able to do it in this. Maybe we'll be able to do it in this vlog or in the next, yeah, next 2-3, yeah, next 4-5. So जो भी है कर दो subscribe and I hope you liked the vlog. New vlog will be coming very soon. अगला vlog कौन सा डालेंगे? या तो चंडीगढ़ या जयपुर या कुछ तो डालेंगे यार, कुछ तो डाल देंगे भाई साहब, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके डाली देंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एंड डू कमेंट एंड वही जो होता है सब फालतू तो चीजें वही सब डालना है, मतलब भाई वो नोटिफिकेशन वाला एक तो ऑन कर दो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हो गया, और यार मैंने वीडियो डाला यार अपने मेन चैनल पे, वो जिंदगी के 4 दिन, वो देख लो कुछ ज्यादा ही, मतलब अपनी तारीफ तो क्या ही करूँ, पर बहुत अच्छा बेटा चलो भाई।